Okay, students, so today we are going to start with a new chapter, that is breathing and exchange of gases. The chapter's name is breathing and exchange of gases. Aaj se hum human physiology shuru kar rahe hain. Human physiology mein ye second chapter hai. And the first chapter, that is digestion and absorption. Wo wala chapter jo hai aapke syllabus mein se exclude out kar diya gaya. That's why we're going to start from this chapter, that is breathing and exchange of gases. So let us start. Respiration is oxidation of nutrients in the living cells to release energy for biological work. Respiration ka matlab kya hai? Ki nutrients jo bhi hum le rahe hain, either carbohydrates, either proteins, either fats, minerals, vitamins, kuch bhi hai, uski oxidation karna to release the energy. ऑक्सीजन ऐड करके उसमें हम उसको ब्रेक करते हैं एंड देन वी रिलीज द एनर्जी फॉर द बायोलॉजिकल वर्क, ताकि हम कोई भी अपना बायोलॉजिकल वर्क कर सके. कोई भी मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू हमें जो एनर्जी मिलती है उससे हम चल सकते हैं, उससे हम कोई भी काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं. इनफैक्ट आईज को ब्लिंक करने के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत है. एंड इवन इफ आई से दैट राइटिंग के लिए तो है ही, थिंकिंग के लिए भी हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है. सो नाउ द बेसिक डिफरेंस लाइज बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड ब्रीदिंग का मतलब है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड द बॉडी. एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, सराउंडिंग से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है. सो दिस इज द बेसिक थिंग. नाउ रेस्पिरेशन के लिए हम बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को यूज करते हैं. देयर आर मेनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. दीज ऑर्गन्स वेरी फ्रॉम द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज द जनरल बॉडी सर्फेस. फॉर एग्जाम्पल इन द लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सील एंड ट्रेड्स, प्लेटफॉर्म्स, दीज आर द लोअर इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स हैं और बहुत लो है, मतलब दे आर नॉट, इनकी जो प्रिमिटिव बॉडी है, इनका जो सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, वो भी डिवेलप नहीं है अच्छे से. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले ये ऑर्गेनिजम्स है. ये चीज हम पढ़ चुके हैं डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में. So, the general body surface helps in exchange of gases. This process is known as breathing through general body surface. इनकी जैसे कि ये flatworm है, flatworm की जो skin है, skin से surrounding में से oxygen and body में से carbon dioxide का exchange हो जाता है. This respiration is occurring through the general body surface. ये एक sponge है, ये वाला जो sponge है, उसमें से भी ऑक्सीजन अंदर जा रही है बॉडी के, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है. दैट इज थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, जो बॉडी की सरफेस है वहीं से. एंड दिस इज अ सीलेंट्रेट की भी जनरल बॉडी सरफेस से जो एक्सचेंज है वो हो रहा है. सो दिस इज द बेसिक थिंग. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज द स्किन. और स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उसको क्या बोला जाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. जब स्किन एक्ट करती है एज द ऑर्गन ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द गैसेस, दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है ये अर्थवर्म के अंदर, लीचेस के अंदर एंड एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स के अंदर होती है. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द अर्थवर्म. अर्थवर्म की जो स्किन है हमेशा मॉइस्ट रहती है. स्किन बहुत थिन है और मॉइस्ट है. थिन और मॉइस्ट होने की वजह से डिफ्यूजन जो है स्किन के थ्रू बहुत इजीली हो जाती है, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज भी बहुत फ्रीक्वेंटली एंड इजीली हो जाता है. द नेक्स्ट डायग्राम इज ऑफ लीच. लीच की भी जो स्किन है दिस इज मॉइस्ट एंड स्किन से ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाती है. फ्रॉग की भी जो लोअर स्किन है, अपर स्किन नहीं, लोअर स्किन मींस द स्किन ऑन द डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड वाली जो स्किन है
वेंट्रल साइड, सॉरी वेंट्रल साइड वाली जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट है, सरफेस के कॉन्टेक्ट में रहती है एंड डिफ्यूजन के थ्रू इजिली जो फ्रॉग है या कोई भी टाइप का एम्फीबियन है वो रेस्पिरेशन कर सकता है. सो स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन हो रही है उस टाइप की रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ओके. आगे द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म ट्रेकियल ट्यूब इन द इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपॉड्स. Insects and arthropods like centipedes, millipedes, spiders, etc. इनमें क्या होता है? Insects, centipedes, millipedes and spiders. इनके अंदर क्या होता है? Basically tracheal tubes present हैं. Tracheal tubes के अंदर holes होते हैं. जो holes होते हैं, they allow the exchange of gases from the environment to the body, inside the body. एंड इस टाइप की रेस्पिरेशन किसमें प्रेजेंट है? इजिली इट इज प्रेजेंट इन द इंसेक्ट्स एंड द आर्थ्रोपॉड्स. नेक्स्ट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज द ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. ब्रैंकियल रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल्स एंड दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉमनली फाउंड इन फिशेस, टैडपोल्स एंड प्रॉन्स. फिशेस, टैडपोल्स एंड प्रॉन्स में गिल्स या ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है जो बहुत इजीली पाई जाती है. बेसिकली ऑल द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो भी पानी के अंदर रह रहे हैं वो गिल्स के थ्रू ही रेस्पायर कर रहे हैं. अब हमने दो टाइप की रेस्पिरेशन को पढ़ लिया है. द फर्स्ट वन इज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्किन एंड ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स. ओके. With the respiratory organs, you have to remember the extra name they are that are given to them and the examples as well. क्योंकि आपको ये definition भी आ सकती है, आपको ये भी पूछा जा सकता है. Branchial respiration is found in which of the following organisms or which of the following organism? It can be plural, it can be singular also. Maybe you have to choose the correct option and इसी तरीके से. Yeah. Next and last kind of respiratory organ is the respiration with the help of lungs. Lungs ke through jo respiration ho rahi hai usko kya bolte hain? Pulmonary respiration. Pulmonary respiration is taking place in most of the vertebrates. Vertebrates are the organisms that are having vertebral column. So pulmonary respiration is found in most of the vertebrates. Pulmonary respiration is the type of respiration which occur through lungs. So that was all about the types of respiratory organs. Now human respiratory system ke bare mein padhte hain. In the human respiratory system we have basically the two parts. Hamare jo human respiratory system ke do parts hote hain. The first part is the air tract jisse hawa ka pura pathway hai from the nose to the lungs. Basically the primary bronchi. From the nose to the lungs, this is the air passage or the air tract. And then is the study about the detailed structure of the pair of lungs. Detailed structure of the pair of lungs. So first thing is the respiratory tract or the air pathway. Air pathway is the conducting part. What do you mean by conducting part? This means that this part of the body, this passage basically conducts the air from outside to within the body. It transports atmospheric air into the alveoli. It transports the atmospheric air into the alveoli. Bahar se jo air hai hamare alveoli ke andar pahunch rahi hai. It clears air from foreign particles. Hamara jo respiratory pathway hai वो इस तरीके से है कि एयर जो है क्लीन एयर ही हमारी बॉडी के अंदर जाए और बाकी सारे फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में से क्लियर आउट हो जाएं, फिल्टर आउट हो जाएं. या
our air passage humidifies and bring the air to the body temperature. Humidify का मतलब क्या होता है? Moisturize. Air को moisturize कर देती है so that उसमें diffusion की capability ज्यादा हो जाए. And brings the air to the body temperature. गर्मियों में बाहर गर्मी बहुत ज्यादा होती है एटमोस्फेरिक एयर में, एंड सर्दियों में सर्दी बहुत ज्यादा होती है. तो जो एयर का टेम्परेचर होता है दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट टू द बॉडी टेम्परेचर. तो बॉडी टेम्परेचर को कौन लेके आता है? बॉडी टेम्परेचर को बेसिकली हमारा जो एयर पैसेज है वही लेके आता है एयर. इट ह्यूमिडिफाइज एंड ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर तक हमारा जो है एयर को ले आता है एयर पैसेज. द नेक्स्ट थिंग्स अबाउट द एयर पैसेज इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स क्या होता है? नोज के जो दो ओपनिंग्स हैं दीज आर द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के थ्रू जो एयर है दैट इज पैसिंग द नेजल पैसेज. नेजल पैसेज के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं? मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारी एयर अब नेजल पैसेज में आ गई. नेजल पैसेज कहाँ तक है? नेजल चैम्बर से लेके नेजोफैरिंक्स तक. Pharynx is the part that is common between the windpipe and the food pipe. The pharynx ka jo upper part hai that is the nasopharynx and lower part is known as the oropharynx jo esophagus ke sath related hai, jo mouth ke sath related hai oropharynx. Now the nasal chamber, from the nasal chamber the air enters to the nasopharynx and then the glottis. What is glottis? Glottis is the opening of the larynx. Larynx ya food windpipe ki jo opening hai that is known as the glottis. Kyunki larynx is related, larynx ki position kahan pe hai? Windpipe ki opening ke upar hi larynx ki position hai. Sabse pehle kya hua? External nostril se hawa नाक के अंदर पहुंची इन द नेजल चैम्बर और द नेजल कैविटी. नेजल कैविटी से नेजोफैरिंक्स को पास किया, फिर हवा वॉइस बॉक्स में चली गई जिसकी वजह से हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है. एंड देन इट फाइनली एंटर्स द ट्रैकिया. ट्रैकिया इज द विंड पाइप. विंड पाइप से वो जा रही है प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, फिर वो जा रही है सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, एंड फिर वो जा रही है टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर. अब ये क्या चीज है? ये देखो इन दिस डायग्राम, लेट मी शो यू. ये है हमारी विंड पाइप. यहाँ पे देखना ध्यान से इस पार्ट पे. दिस इज अवर विंड पाइप. ये विंड पाइप फर्स्ट टाइम ब्रांचिंग करी है. दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकाई. दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकाई. ये विंड पाइप सेकेंड टाइम ब्रांचिंग करी है. दिस इज द सेकेंडरी ब्रोंकाई. दिस इज द सेकेंडरी ब्रोंकाई. एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई जो फर्दर ब्रांचिंग कर रही है दैट इज नोन एज द टर्शरी ब्रोंकाई. मतलब हमारी जो विंड पाइप है वो पहले ब्रांचिंग करती है, फर्स्ट ब्रांचिंग से सेकेंडरी ब्रांच आती है दैट इज सेकेंडरी ब्रोंकाई, एंड सेकेंडरी ब्रांचिंग से थर्ड जो टर्शरी ब्रोंकाई आती है दैट इज नोन एज द टर्शरी ब्रोंकाई. टर्शरी ब्रोंकाई से छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स मतलब नाड़ियों जैसे ये पाइप्स निकलते हैं. दीज आर वेरी स्मॉल. These are known as the bronchioles, and bronchioles के साथ terminal bronchioles के साथ ये alveoli attached होते हैं. Alveoli basically क्या है? Plural of the alveolus. ठीक है? Alveoli हमेशा clusters में present होते हैं. These are the lung cells and also known as the alveolar sac. Alveolar sac are the lung cells. These are the sac-like structures जिसकी जिसमें हवा भरी जाती है. That's why lungs are able to carry the lungs are able to carry the air. क्योंकि alveoli present है. Alveoli जब भी हवा अंदर जाती है तो alveoli क्या कर जाते हैं? फूल जाते हैं. See, each terminal bronchiole give rise to many thin and vascularized alveoli. ये alveoli ना बहुत ज्यादा blood से supplied होते हैं. Alveoli के around बहुत ज्यादा blood होता है ताकि इनमें हर एक second, हर एक millisecond, हर एक टाइम पे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता रहे ताकि हमारी बॉडी में किसी भी टाइप की टॉक्सिसिटी ना रहे. नाउ लेट अस रीड अबाउट द लैरिंग्स. लैरिंग्स इज द साउंड बॉक्स और द वॉइस बॉक्स. लैरिंग्स इज द कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन.
लैरिंग्स बना किसका हुआ है? कार्टिलेजन्स का बना हुआ है. सो लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, जो साउंड की प्रोडक्शन में हेल्प करता है. ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स, इट इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस क्या है? फ्लैप लाइक कवरिंग है, ग्लॉटिस को कवर करता है जब हम खाना खाते हैं, स्वेलो करते हैं. टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन टू द लैरिंग्स, दैट्स व्हाई हमें बोला जाता है कि खाना खाते टाइम कभी भी बोलना नहीं चाहिए. ट्रैकिया, ऑल ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस हाफ रिंग्स. हर एक टाइप की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हर टाइप की जो ट्यूब है या डक्ट है, ये डक्ट जो होती है दैट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग. यस, दिस कार्टिलेजिनस रिंग इज प्रेजेंट सो दैट, या बेसिकली सो दैट ये कोलैप्स ना हो पाए. क्योंकि कोई भी पाइप है ना, मसल्स की कोई पाइप बनी होती है, वो श्रिंक हो सकती है, वो कोलैप्स हो सकती है. कोलैप्स हो गई तो हवा ही नहीं अंदर जा पाएगी. अगर हवा अंदर नहीं गई तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिली तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी एंड हम डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे. दैट्स व्हाई ये कार्टिलेजिनस हाफ रिंग्स प्रेजेंट होती है, जो कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया एंड अदर डक्ट्स को प्रिवेंट करती है. वोकल कॉर्ड्स इन एक्शन, जब भी कभी हम मुंह खोलते हैं तो वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? जब भी कभी हम मुंह खोलते हैं, वी ट्राई टू स्पीक, तो एयर पैसेज एंड हमारी जो माउथ की शेप है, जो टंग की शेप है, वो क्या करती है? हमारी स्पीच को डिफाइन करती है. थस द वोकल कॉर्ड्स आर इन एक्शन. वोकल कॉर्ड्स में से जब एयर पैसेज करती है तो वो साउंड को प्रोड्यूस करती है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स. लंग्स जो है बेसिकली दे आर लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी. दिस कैविटी ऑफ द बॉडी इज नोन एज द थोरैसिक कैविटी. दिस कैविटी इज द थोरैसिक कैविटी एंड थोरैसिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट है. लंग्स के चार लोब्स है. ईच लंग हैज थ्री लोब्स. मतलब राइट लंग है जो बेसिकली जिसमें ये कर्व्ड शेप जो हार्ट को स्पेस देने के लिए बनाई गई है, जिस लंग में ये वाली स्पेस नहीं होती है, दैट लंग हैज थ्री लोब्स. बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में राइट लंग के थ्री लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग के टू लोब्स होते हैं. ईच लंग इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा. प्लूरल मेम्ब्रेन होती है लंग्स के अराउंड. आउटर वाले को बोला जाता है पराइटल प्लूरा एंड इनर वाले को बोला जाता है इनर विजरल प्लूरा. इनर विजरल प्लूरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी जो लंग्स हैं दे आर द विजरल ऑर्गन्स. इनर लेयर है दैट इज इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द लंग्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द इनर विजरल प्लूरा. आउटर पेराइटल प्लूरा, इनर विजरल प्लूरा. लंग्स के अराउंड दो लेयर्स होती हैं, दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं. दीज लेयर्स आर नोन एज द प्लूरल मेम्ब्रेन्स और द प्लूरल लेयर्स. द प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन दीज टू लेयर्स लुब्रिकेट्स द सर्फेस ऑफ द लंग्स एंड प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन्स. प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन दो लेयर्स के अंदर, जो क्या करता है? लुब्रिकेट करता है. लुब्रिकेट का मतलब फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए स्मूदन कर देता है सरफेस को, जिससे किसी भी टाइप की मूवमेंट से लंग्स फ्रिक्शन ना क्रिएट कर जाए और हमारे जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एल्वियोलाई हैं वो फट ना जाए. बिल्कुल सही बात है, एल्वियोलाई फट ना जाए, क्योंकि एल्वियोलाई बिल्कुल बैलून की तरह ही बहुत ही ज्यादा पतली लेयर से बने होते हैं. तो किसी भी टाइप की फ्रिक्शन से वो फट सकते हैं. ठीक है, ओके. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द प्लूरल लेयर्स एंड द प्लूरल फ्लूइड. होता क्या है बेसिकली? दीज आर द लंग्स. लंग्स के अराउंड दो लेयर्स प्रेजेंट है एंड इस लंग्स के अराउंड प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन. लंग्स किसकी बनी होती हैं?
ब्रोंकाई, द प्राइमरी ब्रोंकाई, द सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड द टर्शरी ब्रोंकाई। फिर उसके बाद ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में जाते हैं एंड ब्रोंकियोल्स के टर्मिनल पार्ट पे एल्वियोलाई अटैच्ड होते हैं। सो एवरी लंग इज हैविंग बेसिकली थ्री पार्ट्स, द ब्रोंकाई, द ब्रोंकियोल्स एंड द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने पढ़ा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द एयर पैसेज। एयर पैसेज के अंदर क्या आ गई, हमारा नोज आ गया, हमारा फेरिंग्स आ गया, हमारी विंड पाइप आ गई, और देन लंग्स। लंग्स के अंदर विंड पाइप एंड लैरिंग्स ऑल्सो, बेसिकली विंड पाइप से ऊपर लैरिंग्स प्रेजेंट है, वो भी एयर पैसेज का पार्ट है जिसकी वजह से हम वॉइस प्रोड्यूस कर पाते हैं। एल्वियोलाई एंड द डक्ट्स फॉर्म रेस्पिरेटरी और द एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। एल्वियोलाई आर द मेन स्ट्रक्चर्स जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड हो पाता है। एल्वियोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, मतलब एक लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी एल्वियोलाई से शुरू होता है एंड लंग्स का जो बेसिक फंक्शन है एक्सचेंज का वो भी एल्वियोलाई के अंदर ही होता है, बाकी सारे पार्ट्स तो पैसेज का काम ही कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, आई होप यू गॉट ऑल अबाउट द लंग्स। लंग्स के बारे में सब कुछ क्लियर है आपको, है ना। सो बेसिकली लंग्स कैसे दिखती हैं, लंग्स का जो आउटर स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक दिस, बट इंटरनली लंग्स लुक लाइक दिस। इंटरनली वो ब्रांचिंग करती है, ब्रांचिंग के बाद फर्दर ब्रांचिंग होती है एंड देन ब्रोंकियोल फॉर्मेशन होती है एंड देन द एल्वियोलाई आर फॉर्म्ड। आई एम सॉरी वो बंद हो गया था। ओके चलो, now let us come to the steps of the respiration. First of all, pulmonary ventilation, मतलब breathing. Breathing क्या होती है, बाहर से हम हवा अंदर ले लेते हैं, inhalation, inhalation कर ली, pulmonary ventilation हो गई breathing. उसके बाद lungs के alveoli and blood के अंदर exchange होता है। Lungs में जो alveoli के पास oxygen होती है वो blood को दे देती है and blood के पास जो carbon dioxide होता है वो lungs के alveoli को दे देता है। देन गैस की ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गया एंड जिस टिश्यू के पास, सपोज करो कि स्टमक टिश्यू के पास ब्लड गया तो टिश्यूज क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टिश्यूज के पास बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो सारा ब्लड को पहुंच जाएगा एंड ब्लड के पास जितना भी ऑक्सीजन होगा वो सारा स्टमक को दे देंगे। एंड देन हर एक सेल ऑफ द स्टमक या किसी भी टाइप के ऑर्गन के अंदर, हर सेल के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी एंड हर सेल के अंदर क्रेब्स साइकिल हो जाएगा। क्रेब्स साइकिल से एनर्जी रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी, वो फिर से ये सारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। दीज वर द बेसिक स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग। नाउ लेट अस कम टू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। In the mechanism of breathing, basically we are having the two steps, the inspiration and the expiration. Inspiration means the active intake of air from atmosphere into the lungs. Active intake मतलब कि breathe करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, but that is a involuntary process. हमें पता नहीं चलता, हम breathe करते रहते हैं। अगर ये voluntary process होता तो बहुत सारे लोग breathe करना ही भूल जाते। Breathing is active intake of air from atmosphere into lungs. This is known as inspiration. And expiration क्या है? Passive. अगर आपको अपनी सांस inspire करके रोक के रखनी है तो that is an active intake. But expiration अपने आप हो जाती है, that is passive. And यहाँ पे आपका ये question बन रहा है that which one is the active process, inspiration या expiration? तो आप क्या लिखोगे, इंस्पिरेशन इज द एक्टिव प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स। द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हेन वी इंस्पायर द डायफ्राम फ्लैटन्स, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स। बेसिकली जो नॉर्मल शेप है डायफ्राम की वो ऐसी है, ठीक है,
और जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने से क्या होता है, जो हमारी लंग्स की शेप है, लंग्स की स्पेस है, जो वॉल्यूम है, वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसलिए वो फ्लैट हो जाता है। वर्टिकल वॉल्यूम ऑफ इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इंक्रीजेस, थोरैसिक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाती है, लंग्स एक्सपैंड एंड पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस, लंग्स भी एक्सपैंड हो जाती है और हमारी जो लंग्स की वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से हमारी जो एयर है जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, दैट मूव्स आउटसाइड इनटू द लंग्स। एयर क्या कर जाती है, मूव कर जाती है आउटसाइड द लंग्स। ये तो थी सिर्फ डायफ्राम की बात। दूसरी बात करते हैं हम इंटरकोस्टल मसल्स की। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, बाहर वाली जो मसल्स हैं, बेसिकली जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से दोबारा से फिर से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। दोबारा से जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, दैट अगेन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स फॉर इंस्पिरेशन, फॉर मोर एंड मोर इनहेलेशन, कि जितनी ज्यादा है वो एयर है लंग्स के अंदर जा सके। ठीक है, तो इंस्पिरेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम फ्लैट होने से जो वर्टिकल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हो जाते हैं, रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप हो जाते हैं। जब भी आप इंस्पायर करते हो तो आपका अपर पार्ट जो है, थोरैसिक पार्ट है, वो बाहर को निकल जाता है ना, इसका मतलब कि क्या है, वो भी क्या कर रहा है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। ribs and sternum lift up, volume in the dorsoventral axis increases, मतलब vertically भी जो है volume increase कर रही है and dorsoventrally भी volume क्या है, increase कर रही है। हर type में lungs की volume है जो वो increase कर रही है during inhalation, but आपको ये चीज याद रखनी है कि diaphragm के flat होने की वजह से vertical volume increase कर रही है and एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से रिब्स एंड स्टर्नम क्या हो रहे हैं, लिफ्ट अप कर रहे हैं। थोरैसिक वॉल्यूम, ऑल ओवर थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर गई। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसी वजह से लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है। जब लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज कर जाता है तो हमारी जो लंग्स के अंदर एयर प्रेजेंट होती है वो बाहर को निकल जाती है। That was all about the inspiration process, कैसे होता है, किस तरीके से एयर इन एक्सेल आउट की जाती है, मतलब इनहेल हो गई पहले, तो जब इनहेल हो जाती है वॉल्यूम इंक्रीज कर गई, प्रेशर डिक्रीज कर गया। जब प्रेशर डिक्रीज कर गया तो कोई भी सब्सटेंस है, जैसे एयर है, वाटर है, कुछ और है, इट मूव्स फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर। एयर के अंदर, लंग्स के अंदर लोअर प्रेशर है और बाहर क्या है, हायर प्रेशर, तो एयर लंग्स के बाहर मूव कर जाएगी। तो इसी तरीके से ये इंस्पिरेशन का प्रोसेस एक्सपिरेशन की तरफ लीड कर रहा है। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड दैट इज इंस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट्स, दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड कॉन्टिन्यू फ्रॉम here only. Thank you so much.